सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मेरा नाम है अनुपम पाठक। और आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ आर्ट प्रोडक्ट को रिव्यू करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा। और हमारा जो आज का ब्रांड है वो है कैमल ब्रांड, जो कि इंडिया में काफ़ी पॉपुलर आर्ट ब्रांड है। मैं खुद इस ब्रांड के वाटर कलर काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, अभी भी करता हूँ। तो आज हम कैमल के ही कुछ प्रोडक्ट को रिव्यू करने वाले हैं। तो आज जो प्रोडक्ट हम लोग रिव्यू करने वाले हैं वो सब वाटर कलर से ही रिलेटेड है। और तो आज हम लोग इस वीडियो में कैमल के कुछ ब्रशेस प्लस कैमल के आर्टिस्ट वाटर कलर केक्स को रिव्यू करने वाले हैं। तो हमारा आज का पहला प्रोडक्ट है कैमल के स्पेशलिटी ब्रशेस। आज का हमारा दूसरा प्रोडक्ट है कैमल के इंटरचेंजेबल स्पेशलिटी ब्रशेस। द थर्ड वन इज कैमल आर्टिस्ट वाटर कलर केक्स 24 शेड्स। तो इस रिव्यू में सबसे पहले हम लोग वाटर कलर केक्स के साथ स्वैचेस करेंगे, उससे हम लोग वाटर कलर की जो ट्रांसपेरेंसी है उससे हम लोग किस तरीके से वॉश लगा सकते हैं ये सब क्लियर होगा। साथ ही साथ हम लोग इन सारे ब्रश को यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ स्वैचेस करेंगे और इन सारे ब्रश के साथ क्या क्या स्ट्रोक्स क्रिएट हो सकते हैं, इनका क्या क्या यूज़ है वो सब हम लोग उसी वक्त डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इन तीनों प्रोडक्ट को यूज़ करके अपनी एक फाइनल पेंटिंग क्रिएट करेंगे। सो इस वीडियो में रिव्यू के साथ साथ आपको काफ़ी सारी लर्निंग्स भी मिलेंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिए एंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिटेल में देखते हैं सारे प्रोडक्ट्स जो भी हैं हमारे पास क्लोजअप में। तो यहाँ पर मेरे पास इतने सारे ब्रशेस हैं, सबको मैं पहले बाहर निकाल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने सारे ब्रशेस को बाहर निकाल लिया है। यहाँ पे हमारे पास अलग अलग शेप एंड साइजेस के ब्रशेस है, जैसा कि आप देख सकते हो। यह है एक ड्रैगन ब्रश और यह है एक एंगुलर ब्रश। ये लाइनर ब्रशेस को हम लोग स्ट्रेट लाइंस या फिर बारीक लाइन खींचने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मोस्टली। उसके बाद ये हमारे पास डियर फुट ब्रश, जिसको कि हम लोग पैचेस बनाने में यूज़ करते हैं। उसके बाद है ये हमारे पास फिल्बर्ट ब्रश, जिसका कि आगे से थोड़ा सा राउंड शेप रहता है। उसके बाद फिर ये कैट टंग ब्रश। तो ये सारे ब्रशेस के अपने अपने यूजेस है, अलग अलग यूजेस है। इन सब से आप डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रोक्स लगा सकते हो। तो इन सारे ब्रश के बाद हमारे पास यहाँ पे एक और ब्रश का सेट है, जो कि काफी एक हैंडी और इनोवेटिव लगा मुझे ये ब्रश का सेट। इसमें आपको एक लाइनर ब्रश मिलता है, जो कि एक अपना इंडिपेंडेंट ब्रश है। इसके अलावा आपको यहाँ पे दो ब्रश हैंडल्स मिलते हैं और डिफरेंट ब्रश के टिप्स मिलते हैं। आप इन दोनों हैंडल्स में इन सारे टिप को अटैच करके यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी ब्रश है, यहाँ पे भी हमारे पास सेम शेप एंड साइजेस के ब्रशेस है, बट डिफरेंस ये है कि ये सारे ब्रश इंडिपेंडेंट है और यहाँ पे आपको दो हैंडल मिलते हैं और आप इन सब सारे टिप को इंटरचेंज करके यूज कर सकते हो बारी बारी से। मैं आपको दो टिप लगा के दिखाता हूँ। एक हम लोग यहाँ पे फैन ब्रश लगाते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो एक्स्ट्रा ब्रश टिप है, जैसे ये फैन ब्रश एंड ये रेक ब्रश, आप देख सकते हो ये। तो मैं यहाँ पे इन दोनों को ही इस टिप में लगा रहा हूँ, क्योंकि बाकी जो भी ब्रश टिप है यहाँ पे वो हमारे पास पहले से यहाँ पे मौजूद है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे है कैमल के आर्टिस्ट वाटर कलर केक्स, जो कि है 24 सेट का एक सेट। ये आर्टिस्ट क्वालिटी के वाटर कलर है और ये एक मेटल का बॉक्स है, जो कि काफ़ी ड्यूरेबल रहता है। और यहाँ पे आपको सारे कलर्स लिखे हुए हैं, जो भी सेट्स इसमें अवेलेबल हैं सारे सेट्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप इसको इस तरीके से देख सकते हो कौन कौन से सेट्स हैं हमारे पास। यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा एक मिक्सिंग एरिया मिल जाता है अपने कलर को मिक्स करने के लिए। यहाँ पे भी हमारे पास चार बॉक्सेस हैं और यहाँ पे एक बड़ा सा मिक्सिंग एरिया है कलर को मिक्स करने के लिए। तो आपको इस वाटर कलर सेट के साथ काम करने के लिए एक एक्स्ट्रा पैलेट कैरी करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसी में कलर मिक्स कर सकते हो। यहीं से आप सारे कलर पिक करके यहीं पे मिक्स कर सकते हो। तो अभी सबसे पहले हम लोग इन सब में से कुछ कुछ कलर्स को स्वैच करेंगे इस पेपर के ऊपर, और जिसको कि मैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रश को यूज़ करके इन सारे कलर्स को स्वैच करूंगा। तो इससे क्या होगा, एक बार में हमारा दो काम हो जाएगा, सारे ब्रशेस भी टेस्ट हो जाएंगे और उसके साथ साथ यहाँ से हम लोग कुछ कलर्स को भी स्वैच करके देख लेंगे कि कैसा ये बिहेव कर रहा है कलर्स। उसके बाद कलर के कुछ कुछ बिहेवियर्स हम लोग चेक करेंगे, जैसे कि इसका मिक्सिंग कैसा है, इसके इसे वॉश किस तरीके से आता है इस वाले कलर से। तो एक एक पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं इस वीडियो में आगे। तो अभी मैं यहाँ पे स्वैचिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे सारे कलर्स दिए हुए हैं, मैं सारे कलर्स को तो स्वैच नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी ब्रशेस हैं हमारे पास, हम सारे ब्रश को एक एक स्वैच के लिए यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ये फिल्बर्ट ब्रश, और इसके लिए मैं यहाँ पे ऑरेंज शेड का यूज़ कर रहा हूँ। ये है ऑरेंज का शेड, इसका एक हम लोग स्वैच यहाँ पे लगा के देखते हैं।
देख सकते हो ये कलर्स कितना ब्राइट एंड ट्रांसपेरेंट है। इसके बाद मेरे पास एक एंगुलर ब्रश है, तो इससे मैं ये रेड वाला शेड को स्वैच करता हूँ। ये है हमारे पास स्कारलेट। तो यहाँ पे हमारे पास एंगुलर ब्रश, इसके बाद फिर हमारे पास ये एंगुलर ड्रैगर ब्रश, तो इससे मैं यहाँ पे क्रिम्सन शेड को स्वैच कर रहा हूँ। वाटर कलर में आप जितना ज़्यादा पानी यूज़ करोगे कलर उतना खूबसूरत निकल के आएगा। सारे ब्रशेस आप डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रोक्स लगा सकते हो। इसके बाद है हमारे पास ये कैट टंग ब्रश, तो इससे मैं हुकर्स ग्रीन स्वैच करता हूँ। इस वाले ब्रश से आप फ्लावर पीटल्स बना सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। आप देख सकते हो सारे ब्रशेस का अपना एक डिफरेंट स्ट्रोक है। तो यहाँ पे आपको ब्रशेस के बारे में ही पता चल रहा है, साथ ही साथ आप कलर की स्वैचिंग भी देख रहे हो। इसके बाद है मेरे पास ये फैन ब्रश, तो फैन ब्रश से मैं ब्लू का एक शेड लेता हूँ, कोबाल्ट ब्लू है हमारे पास यहाँ पे, तो मैं कोबाल्ट ब्लू को, तो यहाँ पे हमारे पास शेड रेडी है। अब इससे हम लोग स्ट्रोक लगाते हैं। ये जो ब्रश है नॉर्मली जब हम लोग पेड़ पौधा बनाते हैं उसमें झाड़ी वगैरह बुशेस बनाने के लिए काफी ज्यादा यूज होता है ये फैन ब्रश। इसके बाद है हमारे पास ये बियर फुट ब्रश, जो कि आप इस तरीके से पैचेस लगाने के लिए यूज कर सकते हो। तो इससे मैं कैरामाइन जो कलर है उसको स्वैच करता हूँ। इस तरीके से पैचेस लगाने के लिए यूज कर सकते हो उसको। इस ब्रश का नाम ही है डियर फुट ब्रश, तो आप देख सकते हो डियर का जो फुट होता है वैसा हम लोगों को पैच मिल रहा है इससे। बट इस स्वैच को अच्छे से दिखाने के लिए मैं स्ट्रोक भी डाल के दे देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से स्वैचिंग दिखे। एंड एट द एंड हमारे पास बच गया है ये दो लाइनर ब्रश, तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही ब्रश है, तो मैं एक ब्रश को यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। ये लाइनर ब्रश काफी इंपॉर्टेंट होता है, काफी यूजफुल होता है। इसका जो यूज है वो आपको पेंटिंग के एंड में, जैसे कि आप लोग सिटी एस्केप करते हो या उस तरह के कुछ भी करते हो जहाँ पे आपको शार्प लाइंस की जरूरत हो, जैसे केबल्स वगैरह बनाने के लिए, तो वहाँ पे इस वाले लाइनर ब्रश का काफी ज्यादा यूज होता है। आप देख सकते देखोगे यहाँ पे बहुत शार्प आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो इस वाले ब्रश से, और काफी फास्ट आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये है लाइनर ब्रश का यूज। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट स्ट्रोक डाल के आपको स्वैच भी दिखा देता हूँ कि कलर का स्वैच कैसा है। यहाँ पे मैंने कैमल का वायलेट सेट का स्वैच किया है। तो ऑलमोस्ट हमारे पास सारे ब्रशेस के यहाँ पे स्वैचेस एंड स्ट्रोक्स आ गए हैं। और हम लोग थोड़ा सा वाटर कलर का जो बिहेवियर होता है वो चेक करते हैं कि ये कलर, अभी तो हम लोगों ने ब्रश के बारे में देख लिया, अब इस ब्रश को यूज करके हम लोग पेंटिंग भी बनाएंगे छोटा सा यहाँ पे। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि वाटर कलर कैसा बिहेव कर रहा है पानी के साथ, जो वाटर कलर का क्वालिटीज होते हैं कि कलर उसमें किस तरीके से मिक्स हो रहा है, कैसा हम लोग वॉश डाल पा रहे हैं। वो वाटर कलर का सबसे इम्पोर्टेंट की एलिमेंट होता है कि हम लोग कैसा वॉश अप्लाई कर सकते हैं वाटर कलर से, वॉश ट्रांसपेरेंट आना चाहिए, तो वो हम लोग सबसे पहले टेस्ट करते हैं इसमें। तो यहाँ पे इस वाले एरिया में दो तीन डिफरेंट टाइप के वॉश बनाऊंगा, जैसे कि यहाँ पे एक सिंगल कलर वॉश, यहाँ पे डुअल कलर वॉश, और यहाँ पे ग्रेडेड वॉश। तो मैं हर तरीके के वॉश को टेस्ट करके देखता हूँ कि कैसा रिजल्ट देता है ये कलर्स। तो यहाँ पे मैं एंगुलर ब्रश का यूज कर रहा हूँ। तो फर्स्ट वॉश में मैं एक थोड़ा सा प्लेन वॉश डालता हूँ सिंगल कलर का, देखना कैसा यहाँ पे वॉश हो रहा है हमारा। तो यहाँ पे हमें काफी स्मूथ एक वॉश देखने को मिल रहा है। ट्रांसपेरेंसी चेक करने के लिए मैं ये वाला जो लाइन है इसके ऊपर एक वॉश डाल के देखता हूँ। यहाँ पे आप कलर की ट्रांसपेरेंसी भी देख सकते हो कि अंडरलाइन जो कलर है वो इजिली विजिबल है, बहुत ही शार्पली वो विजिबल है। सेकेंड वॉश में मैं डुअल कलर का वॉश देके देखता हूँ। तो मैं ऑरेंज के साथ यहाँ पे एक दूसरा सेट भी मिक्स करूंगा यहाँ पे धीरे से, इसमें दूसरे सेट को इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे ऑरेंज का जो कॉम्प्लीमेंट्री सेट है ब्लू वो हम लोग इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि कैसा बिहेव कर रहा है, कैसा मिक्सिंग हो रहा है, और ग्रे जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को मिला के जो ग्रे बनता है वो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब देख लो जहाँ पे ये दोनों कलर मिक्स हो रहे हैं वहाँ पे हमें एक ग्रे शेड भी देखने को मिल रहा है, और कलर जो है काफी स्मूथली ब्लेंड हो रहे हैं, आपको यहाँ पे कोई भी एजेस नहीं दिख रहे होंगे। थर्ड जो वॉश है उसमें हम लोग ग्रेडेड वॉश करते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे कैरामाइन शेड ले रहा हूँ। ये सारे शेड्स मैं इसलिए ले रहा हूँ कि ये बहुत ही क्लियरली विजिबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग एक कलर का स्ट्रोक डालेंगे, अब हम लोग थोड़ा सा लाइट करके उसी शेड को यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग ग्रेडेड वॉश देंगे। यहाँ पे हमारे पास और एक स्पेशल ब्रश है जो कि है रेक ब्रश, इसको हम लोग टेक्सचर डालने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे दो कलर को मिक्स करके यूज करता हूँ, इससे आप फ्लैट वॉश नहीं दे सकते, इससे आप टेक्सचर क्रिएट कर सकते हो अपने स्ट्रोक्स में। इस तरीके से देख रहे हो यहाँ पे लाइन्स बन रहे हैं।
थोड़ा सा ड्राई ब्रशिंग के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं इस तरीके से। तो इस ब्रश का जो सबसे ज़्यादा यूज है वो ड्राई ब्रशिंग में, इसीलिए मैं इसे ये सारे स्वेचेस के बाद यूज़ कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे ड्राई ब्रशिंग के लिए हमें थोड़ा सा कम पानी यूज़ करना होता है। अगर मुझे इस सेट के ऊपर एक ड्राई टेक्सचर चाहिए तो मैं इस ब्रश को यूज़ करके टेक्सचर इसके ऊपर क्रिएट कर सकता हूँ। देख रहा हूँ तो यहाँ पे हमारे सारे ब्रशेस कवर हो गए, सारे ब्रशेस के यूजेस कवर हो गए, सारे ब्रशेस के डिफरेंट जो स्ट्रोक्स है वो भी हम लोगों ने देख लिया। अब इन सारे ब्रश और कलर्स को यूज़ करके हम लोग एक छोटा सा वाटर कलर पेंटिंग बनाते हैं और देखते हैं कि कैसा आउटकम आता है पेंटिंग में। तो यहाँ पे मैं आज ये पेंटिंग करने वाला हूँ जिसका कि आउटलाइन मैंने पहले से बना के रखा है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा फ्लैट वाटर से वॉश दे रहा हूँ इसमें, येलो का एक लाइट सा वॉश। यहाँ पे मैं थोड़े क्लाउड्स बना रहा हूँ। इस पेंटिंग में आप कलर मिक्सिंग वगैरह देख सकते हो कि कैसा कलर मिक्सिंग हो रहा है इसके अंदर। मैंने सबसे पहले एक येलो का वॉश दिया और उसके ऊपर मैं ब्लूइश ग्रे के साथ क्लाउड्स बना रहा हूँ। येलो वाले वॉश को मैं नीचे भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पे यह टेक्सचर ब्रश काफी यूजफुल रहेगा, जैसे वाटर के ऊपर लाइट लाइंस अंदर के हाईलाइट को छोड़ते हुए वाटर के रिपल्स बनाने में। यहाँ पे मैं पीछे बैकग्राउंड के जो बिल्डिंग्स है उसके शेप्स को ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक काइंड ऑफ इम्प्रेशन पेंटिंग है, इसमें की काफी ज्यादा डिटेल नहीं, हम लोग सिर्फ इम्प्रेशन को लेकर काम कर रहे हैं। थोड़ा सा बस एजेस के ऊपर केयरफुल रह के फिर हम लोग आराम से नीचे जल्दी जल्दी स्ट्रोक्स लगा सकते हैं। कलर से यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लैट ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा और इसमें मिक्सिंग करूँगा ऑन पेपर। पेपर के ऊपर हम लोग कलर को डायरेक्टली भी मिक्स कर सकते हैं इस तरीके से। देख रहे हो कितना सुंदर ये मिक्स हुआ है, कहीं हम लोगों ने लाइट रखा है, कहीं हम लोगों ने डार्क किया है, इसको एक मिक्स सेट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मैं यहाँ पे सिर्फ ये पेंटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ कि इन सारे प्रोडक्ट्स से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, किस तरीके से स्ट्रोक्स लगा सकते हैं, फिर ये कलर किस तरीके से मिक्सिंग हो रहा है। अब मैं ये छोटे वाले ब्रश से सारे बोर्ड्स को पेंट करता हूँ। हमारे पेंटिंग अभी रेडी है, अब मैं इसे साइन कर रहा हूँ। साइन करने के लिए मैं ये लाइनर ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। चलिए अब इसे अनटेप करते हैं एंड जस्ट सी द मैजिक। कैसी लगी आपको पेंटिंग कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो एंड आई होप आपको ये पेंटिंग पसंद आई हो। साथ ही साथ जो प्रोडक्ट मैंने रिव्यू किए हैं कैमल के वो भी आपको पसंद आए हो। अगर आप इनमें से कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हो तो मैं इन सारे प्रोडक्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, आप डायरेक्टली वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।